कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी द्वारा सरकार पर किए ट्वीट पर पलटवार करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह समय जुमले छोड़ने का नहीं, सहयोग करने का है। वहीं विज ने कहा कि नाइट कर्फ्यू के समय में कोई छूट नहीं दी जाएगी और अब शादी समारोह में इंडोर में 50 व आउटडोर में 200 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए कहा था कि ना टेस्ट, ना अस्पताल में बेड, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन, वैक्सीन है, बस यह एक उत्सव का ढोंग है। राहुल गांधी द्वारा कोरोना को लेकर किए गए ट्वीट पर अनिल विज ने कहा कि सरकार पूरी ताकत के साथ कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। बाकी देशों के मुकाबले हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है और मृत्यु दर भी कम है। ऐसे में राहुल गांधी हर रोज जुमलेबाजी करते हैं, इसकी बजाय यदि वह अपनी पार्टी को यह कहें कि सारे मिलकर सहयोग करें तो इससे पार जाया जा सकता है। वहीं विज ने आम लोगों से भी अपील करी कि कोरोना से लड़ने के लिए सभी मास्क डालें, सभी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। विज ने सभी अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं कि कोरोना बचाव के नियमों का लोगों से सख्ती से पालन करवाएं। उन्होंने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव करने से भी इनकार किया है। देखिए, ये समय प्याज के छिलके उतारने का नहीं है, ये एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय आपदा है। इसमें जो जितना सहयोग कर सकता है उसका सहयोग करना चाहिए। सरकार पूरी ताकत के साथ कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रही है और बाकी देशों के मुकाबले हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है, हमारी मृत्यु दर भी बहुत कम है। अब ऐसे में राहुल गांधी जी रोज जुमलेबाजी करते हैं, डीमोरलाइजेशन करते हैं, निरुत्साहित करते हैं। इसके बदले में अगर वो अपनी पार्टी को ये कहें कि इस आपदा के समय में सारे मिलकर सहयोग करो ताकि इससे पार जाया जा सके तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चाहे गैदरिंग का है, अब उसमें भी हमने पहले 500 का था बाहर, अब 200 का कर दिया, इंडोर 50 का कर दिया, फ्यूनरल में 20 लोगों का कर दिया। इसकी सख्ती से पालना कराई जाए और कोरोना प्रोटोकॉल को सभी विभाग मिलकर लोगों से सख्ती से पालना करवाएं, सब मास्क डालें, सब सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सब डिस्टेंसिंग करें, तभी हम इससे लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। कोविड हॉस्पिटल भी अलग से कुछ बनाए जा रहे हैं? बिल्कुल, हमने आदेश कर दिया कि एपिडेमिक एक्ट के तहत हर जिले में जहां जरूरत हो वहां पर प्राइवेट अस्पतालों को भी अगर एक्वायर करना पड़ता है तो करें, हमें अधिकार है। मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि अपने अपने जिले में उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएं और अपने अपने जिले की स्थिति को रोजाना मॉनिटर करें। अगर कहीं पर कई धर्मशालाओं में और अस्पतालों में भी बेड्स का इंतजाम करना पड़ता है तो वो भी हम करें और जो उसकी जरूरतें होंगी वो हम सारी पूरी करेंगे। नाइट कर्फ्यू का समय घटाया जा सकता है 10 से? नहीं, नाइट कर्फ्यू का समय जो लगा दिया वो लगा दिया, लेकिन उसकी सख्ती से पालना की जाए। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।